तो आज मैं आपको जले हुए पंखे को काटने का सही तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि यदि आप पंखे को काटते हैं तो पंखे का जो स्टेट है उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, जिससे कि आप अपनी जो पंखे की वायरिंग है उसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पंखे को काटने के लिए मेरे पास एक कटर है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जिससे कि मैं पंखा जो काटता हूँ तो बड़ी आसानी से कट जाता है। इस पंखे को केवल मैं 36 नंबर वायर काटने के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यदि कोई बड़ी मोटर आती तो कोई और कटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पंखा है उसके पीछे से इस प्रकार से सभी वायर को काट के उसके बाद यहाँ पे नुकीली पकड़ ली और उससे इन वायर को दबा लेता हूँ, ताकि जब मैं इन कॉइल को निकालूँ तो यहाँ पे जो स्टेट है वो ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको दबाया, उसके बाद पिक्सल्स की सहायता से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और यदि आप नुकीली पकड़ है उसकी सहायता से इन कॉइल को निकालना चाहते हैं तो आप उसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, परंतु मेरी जो कॉइल है वो काफ़ी सॉफ्ट है तो यहाँ पे मैंने पिक्सल्स से निकाला। और यदि आप इस प्रकार से पकड़ से निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पकड़ से भी निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से यदि आप नीचे वाली जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसको भी काटना चाहते हैं तो वापस आपको अपने पास जो कटर है जो कि नुकीला कटर है उससे आपको पीछे से काट लेना। तो चलिए मैं इसको भी एक एक को काट लेता हूँ, और काटने के बाद फिर हमारे पास जो नुकीली पकड़ है उसकी सहायता से इन कॉइल को सीधा करना है, और सीधा करने के बाद फिर आपको इसको मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सीधा करना शुरू कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी नुकीली पकड़ से इसको निकाल सकता हूँ, फिर आप इसके पेपर भी साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पंखा है वो एकदम सही से हो चुका है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।